योग दिवस से पहले इसकी तैयारियां जोर शोर पर हैं। इसी के तहत गुजरात के अहमदाबाद में भी बाबा रामदेव का योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। शिविर में बाबा रामदेव ने बताया कि किस तरह वजन घटाने में योग सहायक है। रामदेव बोले कि जो लोग योग के बारे में ओछी बातें करते हैं, उसे खेल नहीं मानते, वह अज्ञानी है और ऐसे लोगों के विचारों को कभी नहीं मानना चाहिए। रामदेव ने कहा कि योग को ओलंपिक खेलों में भी भेजने की कोशिश की जानी चाहिए। योग को संरक्षण और मजबूती देने के लिए रामदेव ने केंद्र सरकार की खुले तौर पर तारीफ भी की। जो मूल ज्ञान है वो वेदों से आया है और योग के इस ऑथेंटिक नॉलेज को, हमारे इस प्राचीन हेरिटेज को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी आयुष मंत्रालय ने ली है और QCI ने योग के यूनिफॉर्मिटी के पैरामीटर भी, स्टैंडर्ड्स भी बनाए हैं। इसलिए मुझे लगता है योग के ऑथेंटिक नॉलेज, योग के ऑथेंटिक और यूनिफॉर्मिटी के साथ प्रैक्टिस के लिए जो भारत सरकार पुरुषार्थ कर रही है, यह भी अपने आप में पूरे विश्व में योग की एकरूपता के लिए और योग की ऑथेंटिसिटी के लिए, प्रामाणिकता के लिए बहुत जरूरी है, जो मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं।